मुझे कुछ पढ़ना वढ़ना नहीं, सिर्फ बोलना है और आपसे कुछ बातें करनी है। मेरे घर परिवार के बड़े बुजुर्ग समान रचना धर्मी भाइयों और बहन, मैं कानपुर से सिक्किम गया और सिक्किम से अबुधाबी, तो मैं बात आपसे यूए की करूंगा। 1930 में यूएई में तेल का पहला सर्वे हुआ तो संभावनाएं थी कि वहां तेल है, और 1960 के आसपास वहां तेल निकला। 1962 में तेल की पहली खेप कार्गो के रूप में रवाना। 1966 के आसपास नाइन गल्फ किंगडम्स जो थे उनमें से दो को छोड़ दे, कतर और बहरीन ने छोड़ दिया, बाकी सात देश एक साथ आ गए। अबू धाबी वहां की राजधानी है और दुबई वहां की व्यावसायिक राजधानी है, शारजाह वहां की सांस्कृतिक राजधानी। भाई साहब ने कहा मैं सिक्किम गया, जब मैं सिक्किम गया तो भी तब वह भी एक विदेश जैसी ही स्थिति से गुजरा हुआ था, और कुछ ही वर्ष पहले उसका मर्जब हुआ था अप्रैल 1974 में। वहां का पहला सीएम इलेक्टेड सीएम नहीं था, सेलेक्टेड सीएम था, काजी नेडिप दोर्जी। वहां का राजा था, बादशाह था काशी नामग्याल। मैं सिक्किम के सबसे अच्छे स्कूल में टीचर हुआ, मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि मुझे डिग्री कॉलेज नहीं मिला, मुझे बच्चे मिले और सबसे अच्छे स्कूल में बच्चे मिले, मैंने सीएम के बच्चों को भी पढ़ाया। वहां से फिर मैं छोड़ के अचानक ही नौकरी, एक सेकंड में छोड़ी थी, नौकरियां कई छोड़ दी थी। मैं जब अबू धाबी गया तो उस समय लोग अबू धाबी को, शारजा को क्रिकेट के मामले से जानते थे, लेकिन अबू धाबी को लोग नहीं जानते थे। मैं अखबार में काम करता था, आज अखबार में जो मेरी नौकरियों के पीछे जहां मैं गया उससे पहले राव साहब गए, मेरा बचपन इसी परिवार से। लोग दुबई को जानते थे, मैं अबू धाबी पहुंचा और मेरे सामने सबसे बड़ा संकट ये खड़ा हो गया कि लोगों ने कहा कि यार तुम अखबार से आ रहे हो, यहां एक लाइन लिखना मत, अगर तुमने यहां लिखा और तुम्हारा कोई शब्द स्लिप कर गया इस्लाम के खिलाफ, राजशाही के खिलाफ और किसी के खिलाफ, तो तुम्हारा पता नहीं चलेगा तुम हो कहां। आप सोचिए क्या अवस्था हुई, 4 साल मैं रात रात भर जागता था, लिखता नहीं था मैं, क्या करूं, कैसे कैसे निकालू अपने भीतर जो तूफान है। 4 साल मैंने केवल गीत लिखे, शायद आपने मेरे एक गीत नहीं पढ़े, कविताएं लिखी, रहा नहीं जा रहा था। नौकरी छोड़ दूं तो परिवार, सबसे बड़ा लड़का हूं परिवार, उसी बीच पिता का असामयिक निधन, बिल्कुल सोच नहीं सकते थे परिवार में घटना होने वाली है। बाप के साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे नहीं है, अपना सच्चा दुश्मन जिसे मैं मानता था, जो मुझसे मोहब्बत करता था, मेरा बाप असामयिक निधन का शिकार। एक सेमिनार हुआ इंडियन हाई स्कूल दुबई में, मैं अबू धाबी में था 150 किलोमीटर दूर। उस सेमिनार में प्रोफेसर रामजन्म शर्मा जी, जो आज यहाँ मौजूद है, वहां मुझे मिले। इन्होंने एक बात कही किसी से उसी अपने संबोधन में, जिसके पास 3 हिंदी की पुस्तकें हो वो कुछ पढ़ा लिखा आदमी लगता होगा। तो मैंने कहा साहब मेरे पास 3 किताबें मेरे बैग में हैं, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी, रही मसूम रजा साहब का आधा गांव, और अब्दुल बिस्मिल्लाह की जीनी न जाने वो कौन सा तार जुड़ा कि वो शर्मा जी ने उस कार्यक्रम के बाद में मुझसे मिलना चाहा, मैंने भी मिलना चाहा, और इन्होंने कहा कि जब इंडिया आना तो मुझसे मिलना। मैंने कहा साहब मेरे पास 3 कहानियां लिखी हुई रखी, मैंने किसी को नहीं दिखाई, गल्फ में फंसा पड़ा हूं। एक मैंने अपने बाप की मौत के बाद लिखा है अनचाहा सफर, जिसमें उसे मैंने वापसी के नाम से लिखा और पढ़ने के लिए नहीं भेजा। इन्होंने कहा उषा प्रियंवदा की कहानी है वापसी, तुम ये बदलो सीट से, और तुम्हारी कहानी बहुत अच्छी। कहानी क्या अच्छी हुई, मेरे बाप की मौत उस कहानी में है, वो अच्छी कहानी कहाँ है, वो तो दुख है। मेरे ख्याल से अच्छी कहानी है दुखों से ही। फिर एक कहानी लिखी थी राशि,
उसमें भी एक लड़की होती है, पागल सी लड़की है, मालूम है कि वो लड़का उसके साथ में कुछ भी रिश्ता आगे नहीं रख पाएगा और उसके साथ वो जुड़ी हुई है, संगीत स्कूल की टीचर है, पीजीटी है, उस जमाने में सारा पैसा उसको दे रही है और लड़का उस पैसे को नष्ट करके उससे अपनी अय्याशियां करता है और नेतागिरी करता है और कांग्रेस की राजनीति में आना चाहता है, कुछ नहीं होता उसका। आज की तारीख में वो लड़का नहीं है, मेरी कहानी के पात्र जीवित हैं, कुछ जीवित के वर्त हो गए लेकिन वो जिंदा रहेंगे अपने ढंग से। तीसरी कहानी मेरी थी दो बड़ा शर्मा जी ने, वो कहानी मैंने कल के लिए पत्रिका को भेज दी जयराम जी को और उनका कहानी में छापूंगा, उस वक्त नहीं ली पत्रिका थी, इनका इंडिया आके मिला तो मैं आके मिला तो दो कहानियां हमने दे दी। और हंस के दफ्तर के बगल में ही दफ्तर था सरस्वती का, उसमें रामानंद नाम के एक व्यक्ति बैठते थे वहां पर, वो दोनों कहानियां मेरी स्वीकृत हो गई, मैं बड़ा खुश। बरसों बाद मुझे लगा कि मैंने ताजा हवा अपने भीतर महसूस की है। तीसरी कहानी हमने राजेंद्र यादव शर्मा जी मुझे ले गए थे, हालांकि मैं सन 85 में आई आई टी कानपुर में यादव जी से मिल चुका था, वो एक अलग से दुर्घटना थी मेरे साथ, शायद राजेंद्र यादव से मिलना ही दुर्घटना है। तो कहानी उनको दी और उन्होंने कहा तुम क्या लिखते हो, मैंने कहा 20 साल से मैं आपको पढ़ रहा हूँ, मैंने कभी नहीं पूछा मैं क्या लिखता हूँ, आप क्या लिखते हो, आप 20 मिनट मुझे पढ़िए और उसके बाद देखिए मैं क्या लिखता हूँ। और मैं अब इंडिया जा रहा हूँ, मुसहरी घर जा रहा हूँ कानपुर, तब मैं दिल्ली आया करता था, मैं लखनऊ आया करता हूँ मुसहरी से, जब मैं वहाँ से लौट के आया तो मैं पता नहीं कि उस व्यक्ति को मैं क्या कहूँगा, मैंने बहुत अच्छा दोस्त खो दिया है, रचना यहाँ बैठी हुई थी पता नहीं चली गई या आपकी है, मैंने सचमुच अपना दोस्त खो दिया। मैं दरवाजे पर था और उन्होंने कहा कृष्ण बिहारी आ जाओ, मेरा जूते खाने का मन कर रहा, तुमने बड़ी विस्फोटक कहानी लिखी, जब आप इस तरह के लोग उठे बैठे उनके बोलने का ढंग समझू तो आपको लगेगा कि हाँ बात सामान्य है। मैंने कहा यार मामला जो है कुछ गड़बड़ सा है, उन्होंने कहा कि वो मार्क्सिस्ट की कहानी आप लोग अंत याद रखिए, 95 अक्टूबर सितंबर में अनाउंसमेंट था मार्क्सिस्ट की कहानी का, लंबी कहानी थी, उन्होंने को कहानी रोक के मेरी कहानी छापी थी, मैं उसका शुक्रिया। बहुत बहुत एक शर्मा जी ने जो एक सिलसिला शुरू करा है, फिर कालिया जी ने, प्रभाकर शुक्रिया ने, मेरी कहानियां पहले लोगों ने छापी हैं, मैं बाद में मिला हूं उनसे, मैं कहां से मिलूंगा जब मैं 10 महीने बाहर रहता हूं, ठीक 10 महीने मेरी बात भी गिनती मैं भी दिन मिलता हूं। चलिए कुछ बातें चल रहा हूं सवारी हो जाए। और जो जिस वक्त आप प्रेम कर रहे होते हैं तो आपको प्रेम ही करना चाहिए, आप प्रेम नहीं कर रहे हैं तो आप प्रेम मत कीजिए। मैंने जिस लड़की से प्यार किया 2 लाख लोगों का कस्बा कानपुर शहर के सारे वर्चित मेरे गांव घर के गोरखपुर के लोग मेरे रिश्तेदार सभी जानते थे, हम विजातीय प्रेमी थे, सजातीय नहीं थे, यही शायद एकमात्र कारण था जो रहा होगा, मैं अपनी अपनी जाति बताना नहीं चाहता, आप जो भी अनुमान लगाने सोच। उसी दौरान ही वो मेरी ट्यूशन थी, मेरा बेटी को उसे कैसा लगा क्या लगा मैं नहीं कह सकता हूं, उसने मुझसे प्यार किया, मैं कहीं और प्यार कर रहा हूं मैंने भी समझा है, लेकिन जब आप प्रेम कर रहे हो तो आप प्रेम कर रहे हो, वही प्रेम कर रहे हैं। शादी हो गई, वह लड़की अपने चाचा के यहां मुझे भी वापस कर रहा था। अब दुबई की बात, वहां का जीवन, मैं कभी कंफर्ट जोन में नहीं रहा हूं, अगर आपको यह लगता हो कि बिहारी देसी कार में चलता है, एसी में रहता है और इसके पास सारी सुविधाएं हैं, बड़ी अच्छी कलम रखता है, ये सब चीजें आज के जमाने में लग्जरी नहीं है जरूर जीवन की, जिस परिवेश में मैं रह रहा हूं वहां अगर कार ना हो तो फिर आपको तमाम जगहों पे जाने आने के लिए हमेशा टैक्स